इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस, ओके, वेरी गुड। सो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हम बायोलॉजी, ये जो आपका जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो बायोलॉजी का टॉपिक है उस पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। ओके, तो उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ये टॉपिक पढ़ा था, जिसमें क्या था कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिनका कुछ ऐसी खोज है जो बायोलॉजी के फील्ड में बहुत मायने रख रही है, बहुत इम्पोर्टेंट चल रही है। ओके, ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अब हमें बायोलॉजी के दो पार्ट्स इसमें कंप्लीट करने हैं, बायोलॉजी और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी, फिजिक्स, साइंस। जनरली आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वही कैसा है? जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक्स पढ़ लेने पड़ेंगे और उसके बाद वो बायोलॉजी के या फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, यानी कि जनरल साइंस के एप्लीकेशंस, उनका टेक्निकल पार्ट जो है वो दोनों, ऐसा हमें कॉम्बिनेशन में पढ़ना है, राइट? सो पहले हम थोड़ा सा इस पे फोकस करेंगे कि हम जो बेसिक पार्ट है वो कैसे कवर कर पाएंगे। ओके, पहले हम थोड़ा बेसिक पार्ट कवर कर लेंगे और उसके बाद हम उनका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। हम लोग ज्यादा डिटेल्स में, साइंस के ज्यादा डिटेल्स में हमें नहीं जाना है, पर जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जिन चीजों पे फोकस होते हैं, वैसे टॉपिक्स हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, जितने ज्यादा हो सके उतने। और उस पे जो क्वेश्चंस आए हैं पहले वो, और जनरल एमसीक्यूज कौन कौन से आ सकते हैं वो। सो लास्ट टाइम आई हैव यूज्ड अ वर्ड सेल, तो फिर से एक बार मैं पूछती हूँ, सेल का मीनिंग आप चैट बॉक्स में लिख के दे सकते हो। आज हम लोग ये सेल के बारे में कुछ बोलेंगे, क्योंकि कोई भी प्लांट हो, एनिमल हो, कुछ भी हो, उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ऑल विद द हेल्प ऑफ सेल। वो पूरा का पूरा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सेल से बनता है, करेक्ट? सो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, करेक्ट? जिससे लाइफ ओरिजिनेट होता है, जिससे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल चलता है, दैट इज सेल। ओके, सो मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ विच इज रिगार्डिंग दिस सेल। सो द सेल इज बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट का मीनिंग क्या होता है? यूनिट, ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सिंगल या वन। जब कोई भी चीज एक हो, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट? यूनिट। ओके, सो सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज सिंगल थिंग विच कैन कंट्रोल द होल लाइफ। सो नाउ व्हाट इज सेल? सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन अदर वर्ड्स, सेल्स मेक अप लिविंग थिंग्स एंड कैरी आउट एक्टिविटीज दैट कीप अ लिविंग थिंग अलाइव। सो सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं कि सेल्स ये ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे पूरा लिविंग थिंग, जो जो भी सारे लिविंग थिंग्स हैं वो बने हुए हैं, और ये सेल्स सारी एक्टिविटीज करती है जिससे एक ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकता है। ओके, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ सेल। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो, एक पूरा बिल्डिंग आप जब देखते हो, तो पूरा बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेसिक थिंग है वो क्या है? ब्रिक्स। बहुत सारे ब्रिक्स जोड़ के पूरी बिल्डिंग बन रही है, राइट? उसमें सीमेंट लगेगा, बाकी की चीजें लगेंगी, लेकिन एक के बाद एक ब्रिक अरेंज की जाती है और तब बिल्डिंग बनती है। तो ऐसे ही अगर हम ह्यूमन बॉडी के कंपैरिजन में जाए, तो ह्यूमन बॉडी कंसिडर करो कि एक बिल्डिंग है और सेल कंसिडर करो कि एक ब्रिक है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स जोड़ के ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बॉडी या प्लांट की बॉडी जो है वो तैयार होती है। आपको इमेजिन हो गया कि सेल क्या हो सकता है? एक ऐसी छोटी चीज जिससे पूरी बॉडी बन सकती है। ओके, सो नाउ सेल थियोरी। तो
तो अब हमने जैसे देखा कि कोई भी चीज कहीं से तो ओरिजिनेट होती है, मतलब पता नहीं होता है कि बॉडी में सेल्स है, ये पहले से ही बहुत पहले से पता है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ना किसी ने ये फाइंड आउट किया है, किसी ना किसी ने इस पे रिसर्च किया है कि क्या क्या होगा कि जिससे हमारी बॉडी बनी है, क्या है जिससे प्लांट बॉडी बनी है। तो व्हाट इज सेल थियोरी? इट इज अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज एंड कंक्लूजन फ्रॉम मेनी डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर टाइम दैट डिस्क्राइब्स सेल्स एंड हाउ सेल्स ऑपरेट। मतलब सेल्स क्या है और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में जो चीजें बताई गई है वो सारी सेल थियोरी में आती है। तो अभी हमें इन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, क्योंकि एक पेपर में यूपीएससी के ये आया था कि हु पुट फोर्थ सेल थियोरी, मतलब सेल थियोरी किसने बताई। ओके, तो ये साइंटिस्ट के नाम हम अगले स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आया है कि सेल थियोरी किसने हमारे सामने रखी, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेल थियोरी के बेसिक्स क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है। ओके, तो हमें वो भी पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट सेल थियोरी का क्या है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। जो भी कुछ लिविंग थिंग्स है, जो भी कुछ इस धरती पे हम जिन्हें लिविंग में क्लासिफाई कर पा रहे हैं, यानी कि ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सारे सेल्स से बने हैं। वो सेल चाहे एक हो या अनेक हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ह्यूमन बॉडी कंसिडर की, तो इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, राइट? एक सेल से ज्यादा है। अगर हमने एक बैक्टीरिया कंसिडर किया, बैक्टीरिया पता है सबको, बैक्टीरिया क्या होता है एक बार प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। डू यू नो व्हाट इज बैक्टीरिया? यस, प्लीज राइट समथिंग अबाउट इट। व्हाट इज बैक्टीरिया? अभी हम कोरोना वायरस सुन रहे हैं, करेक्ट। बैक्टीरिया इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारी नेकेड आईज से हमें ऐसे ही नहीं दिखेगा, हमें माइक्रोस्कोप के अंडर देखना पड़ेगा। लास्ट लेक्चर में हमने एक साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था, हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। डू यू रिमेम्बर दैट साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी? ऐसे साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा था। कैन यू नेम दैट साइंटिस्ट एंड प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स? एनी वन ऑफ यू प्लीज ट्राई टू रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। ओके, एटलीस्ट राइट समथिंग दैट यू डोंट रिमेम्बर और एनीथिंग, राइट इन द चैट बॉक्स। कुछ तो लिखिए कि नहीं याद आ रहा है, याद आ रहा है, थोड़ा सा याद आ रहा है, फर्स्ट नेम याद आ रहा है, सरनेम नहीं, जो कुछ होगा कुछ तो लिखिए प्लीज, ताकि मुझे पता चलेगा कि लास्ट लेक्चर का भी मुझे कितना रिविजन लेना पड़ेगा। वेरी गुड ईवा, एंटोनी फैन ल्यूवेनहुक, करेक्ट। ओके, ल्यूवेन हुक इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप। तनुश्री, बैक्टीरिया के बारे में सही लिखा है आपने। बैक्टीरिया आर, इतना सब कुछ याद रखने की अभी हमें जरूरत नहीं है बैक्टीरिया के बारे में, सिर्फ इतना याद रखिए कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने पड़ते हैं। ओके, सो दीज बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग्स और प्लांट्स, एनिमल्स, सारे लिविंग है। तो ये जो लिविंग क्रिएचर्स है वो सारे कंपलसरी सेल्स से बनते हैं, और उनके शरीर में या तो एक सेल होगी या अनेक सेल्स होंगी, दैट डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ ये सेल थियोरी के पॉइंट्स याद रखो। तो सेल थियोरी का पहला पॉइंट क्या उन्होंने बताया था? कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, जो कोई भी लिविंग है वो सेल्स से बना हुआ है। ओके,
आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सेल थियोरी इज ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिविजन. जो नए सेल्स बनते हैं वो सारे पुराने सेल्स से डिविजन के दौर पे डिविजन हो जाता है और बनते हैं. एक सेल डिवाइड होके नेक्स्ट सेल बनेगा. आप लोगों को ये टेक्स्ट बुक में आपके जो साइंस का बायोलॉजी का टेक्स्ट बुक या साइंस का टेक्स्ट बुक होगा उसमें जो बायोलॉजी टॉपिक्स होंगे उसमें ये कवर किया गया होगा कि सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब सेल कहीं हवा से आ नहीं जाती. पहले जो सेल है वो डिवाइड होके ही नेक्स्ट सेल बनती है. सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ सेल थियोरी दैट सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ सेल थियोरी इज द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो हमने पहले जिसे हम सेल की डेफिनेशन बोलते हैं वो सेल थियोरी का थर्ड पॉइंट है. ओके कि सेल ये बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ओके सो नाउ टिल नाउ वी हैव स्टडीड थ्री मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थियोरी. द फर्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सारे जो कुछ भी जीवित है इस पृथ्वी पे वो सब कुछ सेल्स से बना है. सेकेंड, जो नए सेल्स तैयार होते हैं वो पुराने सेल्स का डिविजन होके नए सेल्स तैयार होते हैं, अपने आप हवा से नहीं आते. और जो तीसरा हमने पढ़ा, जो हम सेल का डेफिनेशन लिखते हैं, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज अ सेल. ओके ये सेल थियोरी हमें कुछ साइंटिस्ट्स ने दी है टू गेट क्लियर अबाउट व्हाट इज सेल. सेल क्या होता है ये बताने के लिए ये तीन चीजें हमें थोड़ी याद रखनी पड़ेगी. क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आया है, साइंटिस्ट के नाम पे पिछले पेपर में क्वेश्चन आके गया है, तो इट इज पॉसिबल दैट इस पे भी क्वेश्चन आ जाए कि सेल थियोरी, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थियोरी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. राइट, उसमें ये तीन चीजें होंगी और एक कुछ ऐसी चीज होगी जो इनमें से नहीं है. और वो आपको अगर व्हाट इज नॉट, व्हिच वन इज नॉट द पोस्टुलेट ऑफ सेल थियोरी ऐसा आया और आपको ये तीन पॉइंट्स और एक चौथा पॉइंट दिया है, जो चौथा पॉइंट एक्चुअल पोस्टुलेट में नहीं है तो आपको वो मार्क करना पड़ेगा. तब आपको ये बताना पड़ेगा, तब आपको ये मालूम चाहिए कि ये जो तीन है ये कंफर्म पोस्टुलेट्स है, ये सब कुछ सेल थियोरी में बताया गया है. इट्स वेरी सिंपल, जो हमें दिखता है वही है, बस वो तब कुछ नई खोज थी इसलिए उन्होंने वो सेल थियोरी में बता दिया. क्या कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जो लास्ट है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ओके सो इज इट क्लियर अबाउट सेल थियोरी? सेल थियोरी क्लियर हो गई सबको क्या है और आपको क्यों याद रखनी है? आपको ऐसा पूरा का पूरा रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि जो जैसे हम 10th 12th में पूरा आंसर लिखते हैं वैसे तो क्वेश्चन में नहीं आएगा ये, लेकिन आपको MCQs में इस पे क्वेश्चन आ सकता है. एटलीस्ट आपको बेसिक ये याद रखना पड़ेगा कि क्या तीन पॉइंट्स उन्होंने दिए थे और क्या पॉइंट्स नहीं है उसमें इंक्लूडेड. मतलब बाकी का कुछ नहीं है, सिर्फ ये तीन पॉइंट्स ही है. ओके सो सेल थियोरी टाइमलाइन. अब इसमें सब कुछ एक साथ नहीं हुआ है, थोड़े दिन बाद थोड़े थोड़े लोगों ने, साइंटिस्ट्स ने मेहनत की, सब कुछ पता चलता गया है. तो हमें सिर्फ ये बाकी का इग्नोर कर दीजिए. अभी पहले दो साइंटिस्ट का नाम, दूसरा साइंटिस्ट तो हमने देख लिया था, एंटोन फैन ल्यूएनहुक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप की खोज की थी. एंड बिकॉज ही डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व्ड अ लिविंग सेल, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर लिविंग सेल देखा था. और रॉबर्ट हुक इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, और
ही गेव द सेल थियरी, ही स्टार्टेड टू रीड अबाउट सेल्स, टू फाइंड समथिंग मोर अबाउट सेल्स, एंड देयरफॉर ही गेव द सेल थियरी इन 1665. सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिमेंबर द ईयर दैट इज 1665, रॉबर्ट हुक सेल थियोरी और डिस्कवरी ऑफ सेल, ऐसा दोनों आप लिख के रख सकते हो. मैंने जो आपको पिछले लेक्चर में कहा था साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरी, इसका आपको एक चार्ट बनाना है. तो उसमें व्हाट यू कैन राइट, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ साइंटिस्ट दैट इज रॉबर्ट हुक, देन इफ ईयर इज गिवन यू विल इट इज इट विल बी प्रेफरेबल टू राइट दैट नेम, टू राइट दैट ईयर. अगर आपको दिया है तो लिख के रखने में क्या हर्जी है, अगर याद रह गया तो इट इज बेटर. एंड देन नेक्स्ट सेल, ऐसा भी अगर आप लिख के रखोगे दैट विल बी हेल्पफुल. सेल थियोरी, डिस्कवरी ऑफ सेल, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आया तो आपके सामने रॉबर्ट हुक ये नाम आएगा. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ये इसमें भी ये जो बीच वाले साइंटिस्ट है इनका नाम याद नहीं रखा तो भी चलेगा. 1838 वाला, मैंने 1660, ओके 1838 वाले जो है, ही प्रपोज्ड ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो इन्होंने प्लांट्स में सेल्स देखे. अब कैसा हुआ होगा उस टाइम पे कि जब कोई भी रिसर्च चालू है तो क्या होगा, पहले सेल किसी ने देखा, क्या वो प्लांट्स में है, वो एनिमल्स में है, वो तब पता नहीं था. कुछ सालों बाद किसी साइंटिस्ट ने ये देखा कि हाँ प्लांट्स में सेल्स है, किसी ने देखा कि एनिमल्स में सेल्स है. ओके, सो श्वान, 1839 के साइंटिस्ट आप देख सकते हो, थियोडर श्वान, प्रपोज्ड ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. तो एक ने प्लांट्स में देखे, एक ने एनिमल्स में देखे. इतना डिटेल्ड आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसने प्लांट में देखा, किसने एनिमल में देखा. मैं अभी आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये दिखा रही हूँ कि ये सारी जो सेल थियरी के जो पॉइंट्स है वो एक एक इंसान ने नहीं दिए है, हर एक ने थोड़ा थोड़ा उसमें योगदान दिया है, और फाइनली सबके पॉइंट्स इकट्ठा करके हमें सेल थियरी हमारे सामने आ गई है. ओके, सो अब हम देखेंगे कि सेल्स के बारे में एक्चुअल क्या है. ये हमने सेल थियोरी पढ़ ली कि कौन से साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, तो आपको मेन नाम याद रखना है रॉबर्ट हुक. उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि बायोलॉजी की कोई भी टर्म हो हम उसे पहले स्प्लिट करेंगे. तो अब अगर मैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऐसा बोल रही हूँ, यूनिसेल्यूलर, तो हाउ विल यू स्प्लिट दिस टर्म, इसका क्या मीनिंग हो सकेगा? वन सेल, करेक्ट. यूनि और सेल्यूलर, यूनि मतलब वन और सेल्यूलर मीन्स वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, करेक्ट. तो हमने पहले ही देखा था कि सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेदर यूनिसेल्यूलर दैट इज सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. सब में सेल्स है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगी, तो व्हाट वी विल कॉल दैट ऑर्गेनिज्म एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. तो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. जिस ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल होगा उसे हम यूनिसेल्यूलर बोलेंगे. इसमें आपको रट के याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. हमने अगर स्प्लिट किया, जैसे आप लोगों ने अभी बताया मुझे कि स्प्लिट किया वर्ड आपने सही तरीके से स्प्लिट किया और आपको उसका मीनिंग पता चल गया. एग्जाम्पल्स में यूग्लिना, पैरामीशियम, यीस्ट, ये सारे दिए हैं उन्होंने. अगर आपको याद रहेगा तो अच्छा है, वरना सिंपलेस्ट टू रिमेम्बर इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया भी इसी का एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है. सो नेक्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ मल्टी सेल्यूलर? मल्टी सेल्यूलर का क्या मीनिंग होगा? यूनिसेल्यूलर इज सिंगल सेल्ड, मल्टी मीन्स मेनी. सो द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स मोर देन वन और मेनी सेल्स विल बी नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म.
वेरी गुड, आपने इसका भी आंसर बहुत अच्छे से बता दिया. सो एन ऑर्गेनिज्म दैट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स है वो. सो फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस. ओके, जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सारे मल्टी सेल्यूलर है, उसमें मोर देन वन सेल्स है. जैसे कि हम सिर्फ एक सेल से नहीं बने हैं, बहुत सारे सेल्स है. हमारे हर एक ऑर्गेन में सेल्स है, डिफरेंट ऑर्गेन कैरीज डिफरेंट सेल्स. तो ऐसा करके ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बना है. ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लीफ सेल्स कैसे दिख रहे हैं, मसल सेल्स कैसे दिखते हैं. तो हर एक सेल का साइज, शेप, ये डिफरेंट होता है. अगर हम किसी भी सेल के बारे में पढ़ने के टाइम पे हम लोग क्या क्या याद रखना पड़ेगा हमें, सेल का डेफिनेशन, सेल थियोरी, फिर यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स दे कैरी, उसके बाद साइज ऑफ सेल्स. ओके, सारे सेल्स अगर यूनिसेल्यूलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका एक ही सेल है. लेकिन अगर हमने मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म का पूरा शरीर, उसमें अलग अलग सेल्स होंगे, तो सारे सेल्स के साइज डिफरेंट हो गए, शेप डिफरेंट हो गए. तो हमें ये पढ़ना है कि साइज ऑफ सेल्स, ऑल द सेल्स इन द वर्ल्ड पूरे, अगर सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी या एक प्लांट बॉडी कंसिडर नहीं की, पूरा का पूरा हमने सेल ये पार्ट कंसिडर किया, तो दोज वेरी इन साइज. मतलब क्या कि उनके साइज अलग अलग होते हैं. मोस्ट सेल्स आर वेरी स्मॉल, दैट इज माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मीन्स हमारे नेकेड आईज से वो हमें नहीं दिखेंगे. और सम मे बी वेरी लार्ज, कुछ सेल्स बहुत सारे, बहुत ज्यादा बड़े होंगे. द यूनिट यूज टू मेजर सेल साइज, मेजर साइज ऑफ अ सेल इज माइक्रोमीटर. ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्स कौन से यूनिट में मेजर किए जाते हैं यूजुअली, तो दैट यूनिट इज माइक्रोमीटर और माइक्रॉन. सो स्मॉलेस्ट सेल इज, अब हम देखेंगे ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. द स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा ये एक बैक्टीरिया है जिसका सेल सबसे छोटा होता है. इट इज अ यूनिसेल्यूलर एंड इट हैज अ वेरी स्मॉल सेल. सबसे ज्यादा छोटी जो सेल है वो इस माइकोप्लाज्मा की है. सो यू विल हैव टू रिमेम्बर दिस नेम. द स्मॉलेस्ट सेल इज, ऐसा करके डैश आ सकता है आपको एग्जाम में, और नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है माइकोप्लाज्मा. उसका साइज अगर आपको याद रहता है तो इट इज गुड, इफ नॉट इट्स Not that big issue कि आपको इसका साइज नहीं याद रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. At least do remember this, that the smallest cell is of mycoplasma. Okay? And जैसा smallest देखा, we will have to see for largest. तो the largest cell is of ostrich egg. Ostrich egg की जो cell होती है वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है. Okay, will you be able to remember this? Which is the smallest cell? Can you please write it in the chat box? Smallest cell kaun si hai? Mycoplasma. Correct. Mycoplasma is the smallest cell. And which is the largest cell? ऑस्ट्रिच एग. परफेक्ट, ये दोनों आपको याद रखने हैं, कुछ भी आ सकता है. ऑर्चिड नहीं, ऑस्ट्रिच. या प्लीज रिमेंबर दिस, बिकॉज आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे. आपने अभी लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ऑप्शंस आ सकते हैं. ऑस्ट्रिच एग भी आएगा और ऑर्किड एग भी आएगा, या ऑर्किड इतना ही आएगा. अगर आपको नेम में कंफ्यूजन हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है. ओके, सो इसलिए अच्छे से याद रखिए, लार्जेस्ट सेल इज ऑफ ऑस्ट्रिच एग एंड स्मॉलेस्ट सेल इज ऑफ माइकोप्लाज्मा.
साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस, हमने ये अभी जो सेल्स के साइज देखे वो इन जनरल थे, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन साइज ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस। इंसानों में सेल्स के साइज वेरी करेंगे, हमारे हर एक बॉडी पार्ट में जो सेल्स होंगी वो डिफरेंट होगी, मसल्स के सेल्स अलग होंगे, उसके बाद लीवर के सेल्स अलग होंगे, स्टमक के सेल्स अलग है, इंटेस्टाइन के अलग है, डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन एंड स्ट्रक्चर साइज इज डिफरेंट। सो व्हाट आर द साइजेस ऑफ सेल्स इन ह्यूमंस? द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज स्पर्म सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज ओवम सेल, एंड लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। सो अगेन यू विल हैव टू रिमेंबर दीज थ्री थिंग्स ऑल्सो। आपको इसमें क्वेश्चन क्या आता है इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आया, स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, और आपको अगर ऑप्शन दिए गए स्पर्म सेल, माइकोप्लाज्मा, नर्व सेल, ओवम सेल, तो व्हाट विल बी योर आंसर? इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, द ऑप्शंस आर स्पर्म सेल, माइकोप्लाज्मा, ओवम सेल एंड नर्व सेल। करेक्ट। सो इन दिस केस यू विल हैव टू फोकस ऑन वेदर इट इज ह्यूमन बॉडी और इट इज जनरल। ओके, हमने जनरल में भी देखा था माइकोप्लाज्मा और ऑस्ट्रिच एग, अब इसमें भी हमने क्या क्या देखा है, स्पर्म सेल, ओवम सेल और लास्ट में हमने देखा था नर्व सेल। नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट, जो ब्रेन्स में होती है। नर्व सेल हमारे ब्रेन के यहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रेन सेल्स। ओके, अब हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा है, साइज देखा है, अब उसके बाद शेप। अब हर एक सेल का शेप जो है वो भी अलग अलग होता है, वेरिएशन डिपेंड्स मेनली ऑन द फंक्शन ऑफ सेल्स। वेरिएशन किस चीज पे है, तो जो फंक्शन है उसके हिसाब से उसका स्ट्रक्चर, और इसलिए उसका शेप और साइज डिफरेंट होता है। सम सेल्स लाइक यूग्लिना एंड अमीबा कैन चेंज देयर शेप, बट मोस्ट सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप। आपने ये पढ़ा होगा बहुत बार कि अमीबा, ये ऑर्गेनिज्म हम सबको पता है, राइट? आपने ये नाम पहले पढ़ा होगा ना, अमीबा, राइट? सबने पढ़ा है ये अमीबा। ये यूनिसेल्यूलर है और वो अपना सेल का जो शेप है वो चेंज करता रहता है, फिक्स्ड नहीं है उसका कुछ, राइट? तो आई रिमेम्बर दैट जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर ड्राइंग पेपर में किसी का ड्राइंग अच्छा नहीं है और क्वेश्चन आता था कि एनिमल का, किसी एनिमल का ड्राइंग निकालो, तो हम लोग अमीबा निकालते थे। क्यों? क्योंकि ड्राइंग अच्छा नहीं है तो अमीबा, तो वैसे भी उसका कुछ फिक्स्ड शेप नहीं है, तो वी कैन ड्रॉ इट एनी वे वी वॉन्ट। सो ये अमीबा जो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी है जिनके शेप फिक्स नहीं है, बट देर आर अगेन मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव फिक्स्ड शेप। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ शेप्स अपने याद नहीं रखे तो भी चलेगा, बट आई जस्ट रीड देम आउट। ह्यूमन आरबीसी आर सर्क्यूलर बाइकॉनकेव, इतना आपको डिटेल नहीं आएगा कि ह्यूमन आरबीसी का शेप क्या है, बट यू विल हैव टू रिमेम्बर दैट ऑल सेल्स वेरी इन शेप, इतना याद रखिए बस। ओके, और ह्यूमंस में मतलब अगर ब्लड में भी हमारे तीन सेल्स है, तो तीनों सेल्स के जो शेप है, साइज है, वो अलग अलग होते हैं। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसकी वजह से हमारा खून लाल रंग का दिखता है, और डब्ल्यूबीसी मतलब इम्यून सेल्स, जो एक्चुअल किसी भी कोई भी अटैक हुआ, फॉर एग्जांपल अगर कोरोना वायरस का अटैक है, बैक्टीरियल अटैक है, तो उसमें जो उसे उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को मारने जाते हैं, वो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी। ओके, सो इन सारे सेल्स का साइज अलग अलग होता है और शेप भी अलग अलग होता है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले डिटेल स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं आपको एक सवाल पूछती हूँ। आपने दो टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़े हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऐसा कुछ पढ़ा है पहले कभी?
प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, हैव यू हर्ड अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स? संकल्प यस, सुचित्रा ओके. ओके, सो वी विल जस्ट ओवरव्यू दैट कि क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं और क्या यूकैरियोटिक होते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे. एक दो मिनट दीजिए मुझे सिर्फ. ओके, ये हमने पूरा देख लिया है. सो दीज आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल्स विथ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. हर एक सेल में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंस होगा, ओके, जो उनके जो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, उसके डिपेंडिंग ऑन दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. तो जो प्रोकैरियोट्स है उनमें हम लोग कॉमनली यूज्ड एग्जांपल इज ऑफ बैक्टीरिया. ऐसा बोलते हैं कि बैक्टीरियल सेल्स आर प्रोकैरियोटिक कंपलसरी, एंड यूकैरियोट्स आर अगेन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सो हम लोग अब देखेंगे कि क्या प्रोकैरियोटिक होते हैं. ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस एंड देयर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस. ये पहला है प्रोकैरियोटिक का. अगर मैं आपको बताने जाऊँ कि मीनिंग कैसा हम लोग देख सकते हैं, तो मैं ये वर्ड पहले आपको स्प्लिट करके बताती हूँ. एक मिनट, चैट बॉक्स में लिख रही हूँ मैं. प्रोकैरियोटिक, अगर मैंने इसे स्प्लिट किया तो मैं इसे ऐसे करूंगी, प्रो और कैरियन. तो इसमें प्रो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव. प्रिमिटिव मतलब क्या? प्रिमिटिव का मीनिंग क्या होता है? प्रो का मतलब है करेक्ट, प्रिमिटिव मतलब ओल्ड और अंडर डेवलप्ड. सो जिसमें ओल्ड या अंडर डेवलप्ड न्यूक्लियस है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस. प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस. इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द वंस इन विच प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट और वेरी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड देयर जेनेटिक मटेरियल इज नॉट स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस बिकॉज इट इज अंडर डेवलप्ड. The second point will be they have some organelles but not many. They are less complicated than eukaryotes. अब हम पहले eukaryotes पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि कैसे ये less complicated है. All bacteria are prokaryotes. Most are unicellular but some prokaryotes are multicellular too. मतलब क्या कि prokaryotes जो होते हैं वो बहुत सारे unicellular ही होते हैं और उनके आपको ऑर्गेनेल्स पता है क्या है? दे हैव सम ऑर्गेनेल्स, ऐसा लिखा था. ऑर्गेनेल्स मतलब क्या होते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट दैट? ओके, एक से यस आया, बाकी और किसी से? ऑर्गेनेल्स मतलब, वेरी गुड, जो उस सेल के अंदर होते हैं. ऑर्गन्स ऑफ सेल, ओके. सो ऑर्गेनेल्स आर जो सेल के अंदर एक एक चीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑर्गेनेल्स के एग्जाम्पल्स दे सकते हो मुझे, एक दो? करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक आ गया, बाकी दूसरा कुछ फ्रॉम अदर्स जिन्होंने यस बताया था उनसे? न्यूक्लियस, करेक्ट. और लाइजोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड, परफेक्ट. सो ऐसे जो चीजें होती है सेल्स के अंदर, उन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं. और वो सारे यूकैरियोट्स में सबसे ज्यादा होते हैं, प्रोकैरियोट्स में कम होते हैं. ऐसा उन्होंने दिया है यहाँ पे, क्या कि दे हैव सम ऑर्गेनेल्स बट नॉट मेनी.
उसमें थोड़े से ऑर्गेनेल्स है लेकिन सारे नहीं है प्रोकैरियोट्स में। तो कौन से ऑर्गेनेल्स है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ट्रेट्स ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के बारे में क्या पता है हमें? तो यू, अब ई यू, ये जो यू है हमारा कैरियन का मतलब तो हमने पहले ही भी देख लिया, कैरियन इज समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस, और यू का मतलब होता है ट्रू। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स विच हैव ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस, आर नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो बेसिक डिफरेंस जो इन दोनों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किया जाता है वो किस पे डिपेंडेंट करता है? कि उनका न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस कैसा है उस पे ये डिफरेंस तय करते हैं। और उसके बाद बाकी के डिफरेंसेस ऑर्गेनेल्स के और जो बाकी की चीज़ें हैं कि उसमें कितने ऑर्गेनेल्स है या फिर उन जेनेटिक मटेरियल कैसा है, यूनिसेल्यूलर है मल्टी सेल्यूलर है, इस पे बाकी का क्लासिफिकेशन आगे चलता जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज मोर ट्रेट्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के क्या क्या ट्रेट्स है? दे ऑल हैव अ न्यूक्लियस वेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल इज स्टोर्ड। इनमें हमने जो अभी देखा इनमें न्यूक्लियस रहता है और इनके इस न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड रहता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग सब पढ़ेंगे, लेकिन बाद में दे हैव मेनी ऑर्गेनेल्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प द सेल फंक्शन। हमने पढ़ा प्रोकैरियोट्स में कम ऑर्गेनेल्स है, यूकैरियोट्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो एक साथ काम करते हैं जिससे सेल का फंक्शन अच्छे से हो पाए। मोर ट्रेट्स ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक सेल्स आर मच मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। दे कैन बी जस्ट वन सेल और कैन मेकअप मोर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी वही है, आइदर यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं मतलब सिर्फ एक सेल होगा, या फिर बहुत ज्यादा बहुत सारे सेल्स होंगे। ये हम आप डायग्राम देख सकते हो जो बेसिक डिफरेंस बता रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का। आपने देखा तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऑर्गेनेल्स है ही नहीं, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। क्या क्या है उसमें? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, न्यूक्लियोइड रीजन, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है इसलिए उन्होंने वहां पे कैसा दिखाया, न्यूक्लियोइड रीजन और राइबोसोम्स करके है। ये सारी चीजें यूकैरियोटिक में होती ही है, इससे अलावा यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट, ऐसी सारी चीजें भी होती हैं। ओके, सो इन जनरल माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी आइदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं या यूकैरियोटिक हो सकते हैं। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो कंपलसरी प्रोकैरियोटिक ही होते हैं, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया नहीं होते। ओके, सो मुझे ये सेल्स के ऊपर एक क्वेश्चन मिले थे, एमसीक्यूज, तो वी विल सॉल्व दोज, वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सो What will be your answer for this question? Cell was discovered by Please write in the chat box what will be your answer? Cell was discovered by Correct, Robert Hooke, second option. अब यहाँ यही पे देखो आपको कैसा हो गया, यहाँ पे उन्होंने जो options दिए हैं उसमें पहला ल्यूवेन हुक, तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ल्यूवेन हुक ने पहला सेल ऑब्जर्व किया था, डिस्कवर नहीं किया था पर देखा था पहला लिविंग सेल, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। या बाकी के जो नाम दिए हैं उन्होंने वो नाम सारे रॉबर्ट से स्टार्ट होने, मतलब उनका फर्स्ट नेम रॉबर्ट है, तो फिर से उसमें भी हमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए
यू हैव टू बी श्योर वाइल राइटिंग द आंसर. ओके सो द सेकेंड, इसका आप गेस कर सकते हो आंसर. हमने डिटेल ये पढ़ा नहीं है अभी तक ऑर्गेनेल, बट यू कैन गेस दिस आंसर बेस्ड ऑन अवर स्लाइड्स दैट वी हैव जस्ट सीन. द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटीरियल इज, इनमें से किस में जेनेटिक मटीरियल होता है? सेल वॉल्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया? परफेक्ट, वेरी गुड. न्यूक्लियस में. हमने अभी देखा कि जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स में इट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस, एंड इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो न्यूक्लियस, सो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट स्टोर्ड देयर इन द न्यूक्लियस. राइट, वेरी गुड. सो द नेक्स्ट वन इज, नो वी हैव नॉट फिनिश्ड दिस पार्ट येट. ओके, प्लीज थिंक अबाउट दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट यूकैरियोट्स? हमने अभी यूकैरियोट्स के ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो ये जो चार सेंटेंस स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें से कौन से यूकैरियोट्स के लिए सही है? द फर्स्ट वन इज, दे आर सेल्स विद द न्यूक्लियस, दे आर फाउंड बोथ इन ह्यूमंस एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. दे हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल. इसमें अब आपको कैसा होगा कि इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, ए बी सी, ए सी डी, ए बी डी और ऑल आर करेक्ट, तो इन चारों में से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? ऑल आर करेक्ट, परफेक्ट. ये जो चारों हमने पढ़े वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स है, चारों कैरेक्टरिस्टिक है. सबको समझ में आ गया? मुझे सिर्फ ईवा का आंसर आया अभी चैट बॉक्स में, डी ऑप्शन. बाकी के लोगों को पता चला है ना ये? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यूकैरियोट्स के, इसलिए ऑल ऑफ द अबव. ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से फॉर एग्जाम्पल डी ऑप्शन गलत दिया है आपको, तो व्हाट यू विल मार्क दैट, जहां पे जिस ऑप्शन में ए बी सी होगा वो ऑप्शन आपको मार्क करना पड़ेगा. अगर डी गलत हुआ तो इस केस में हमें चारों सही थे, इसलिए हमने मार्क किया लास्ट ऑप्शन, दैट इज डी ऑप्शन, वेर ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट. सो नाउ ओके, तो ये सारे ओके, ये इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हो. व्हाट डू प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक? प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल या मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस? इन चारों में से प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं है? डी, दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. करेक्ट. ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी नाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया? मतलब ये जो चारों सेल्स दिए हैं आपको, इसमें से ऐसी कौन सी सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? आपका आंसर बता दीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ. तीन लोगों का ए आया है, जरा बाकी लोगों के भी आंसर. तनुश्री, वेरी गुड, ए. इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा है, तो इट इज पॉसिबल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं. उन्हें उन्हें क्या पूछना था यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल डिवॉइड ऑफ, मतलब ऐसा कौन सा सेल है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? तो ऐसे कौन से सेल्स होते हैं, हमने जो टाइप्स पढ़े उनके हिसाब से प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते,
और इन चारों ऑप्शंस में से प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरियल सेल, इसलिए द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बैक्टीरियल सेल। ओके, ठीक है, हमने अभी कुछ सॉल्व किए, यही सेम वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में भी, लेकिन हमें तब और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, तब हम वो कंप्लीट कर पाएंगे। नाउ वी स्टिल हैव मोर टाइम, सो वी विल मूव ऑन टू दैट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें का डिफरेंस इसमें दिया है। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि जो फर्स्ट थिंग है, टाइप्स कौन से है, तो बैक्टीरिया है, यूकैरियोटिक में प्रोटिस्ट, फंगा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट्स की यूनिसेल्यूलर, वेरी फ्यू मल्टीसेल्यूलर, और यूकैरियोटिक में यूजुअली दे आर ऑलवेज मल्टीसेल्यूलर, देन सेल साइज इज वेरी स्मॉल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड सेल साइज इज लार्जर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। उसके बाद मेम्ब्रेन, तो हमने देखा ये तो कॉमन है कि ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है। देन रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड असेक्सुअल बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। डीएनए कैसा है उनका, उनके प्रोटीन्स कैसे है, ये सारी चीज़ें, इतना डिटेल्ड आपने नहीं याद रखा तो भी चलेगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, नहीं राइबोसोम्स याद रखिए आप, राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी होते हैं। उनका डिफरेंस सिर्फ ये होता है, प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम छोटा होता है, यूकैरियोट्स का राइबोसोम बड़ा होता है। तो क्योंकि प्रोकैरियोट्स का वहाँ पे आप देख सकते हैं 70S है और यूकैरियोट्स का 80S है, तो हमारे सिलेबस में इतना आपको वो एस क्या है, क्यों है, कैसे है, इतना डिटेल्ड आपको नहीं है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इतना याद रखेंगे, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स बोथ कंटेन राइबोसोम्स and the ribosome present in them differ only in size, एक का छोटा होता है और एक का बड़ा होता है। Okay, so next one is organelles in common, दोनों में क्या common है prokaryotes और eukaryotes में, तो दोनों में cell wall होती है, दोनों में cell membrane होती है, ribosomes होते हैं, plasma membrane होती है, साइटोप्लाज्म होता है, फ्लैजेला और सीलिया ये लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस दोनों में होता है, एक में वेल डेवलप्ड है और एक में अंडर डेवलप्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में एक्चुअली नहीं होता है, उन्होंने दिया यहाँ पर वो गलत है थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता, और वैक्यूल्स जो होते हैं वो दोनों में होते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, उनका फंक्शन अलग है हर एक सेल में, बट होते दोनों में है, और माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोट्स का है। ओके, सो अब इसके बाद जो आएगा आपका, वो हर एक ऑर्गेनेल का हमें थोड़ा सा डिटेलिंग सीखना पड़ेगा कि सेल वॉल क्या होता है, वो कहाँ होता है और क्यों होता है। ओके, हमें नाम से ही पता चलता है, सेल वॉल मतलब जैसे घर की दीवार होती है वैसे सेल के लिए दीवार है, तो दैट सेल वॉल इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स में भी है और यूकैरियोट्स में भी है, उसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द सेल। जैसे ह्यूमन बॉडी को पूरा का पूरा इंजुरी हो सकता है, वैसे हर एक सेल को इंजुरी पहुंचेगी, राइट? तो वो ना हो, इसलिए जो प्रोटेक्शन है, दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय सेल वॉल। अब एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दी हूँ कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के हमें दो डिविजन्स आते हैं, और कौन से, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल होता है, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होते। ओके, सो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी दैट एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है। तो हमने अभी जिस टाइप के क्वेश्चंस देखे उसमें ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स और सेल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल, और आपको अगर चार ऑप्शंस दिए गए, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगल सेल, तो यू विल हैव टू मार्क इट एज एनिमल सेल।
एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, बाकी के सारे सेल्स में सेल वॉल रहते हैं। ओके, हमें इन डिटेल्स में, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए वी विल नॉट गो इन डिटेल्स दैट व्हाई एनिमल्स डू नॉट कंटेन सेल वॉल। इफ इट्स बेसिक फंक्शन इज प्रोटेक्शन, डू एनिमल सेल्स डू नॉट रिक्वायर दैट प्रोटेक्शन? तो उसके कुछ अलग आंसर से, इफ यू वॉन्ट मोर टू रीड अबाउट दैट यू कैन रीड, और इफ यू वॉन्ट वी कैन डिस्कस इट, अदरवाइज इट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो हम उसमें टाइम नहीं ज्यादा वेस्ट करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कुछ अलग रीजंस है जिसकी वजह से एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड दैट ऑन योर ओन, इफ यू हैव डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, सो ये था हमारा आज के लेक्चर में, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल्स की डिस्कवरी किसने की है, मतलब सेल थ्योरी क्या की, कहाँ से वो डिस्कवर हुए, किसने सेल पहली बार देखा, उसके बाद सेल के टाइप्स मतलब ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, सेल के जो स्ट्रक्चर सेल्स का होता है उस पे डिपेंडेंट कौन से दो टाइप्स है, तो दैट इज यूनिसेल्यूलर, दैट इज सॉरी प्रोकैरियोटिक, दैट इज कंटेनिंग प्रिमिटिव न्यूक्लियस, एंड यूकैरियोटिक, दैट इज कंटेनिंग ट्रू न्यूक्लियस और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। सेल्स वेरी इन देयर साइज एंड शेप, हमने देखा कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, सारे सेल्स कंसिडर किए तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, ह्यूमन बॉडी के सेल्स कंसिडर किए तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, स्मॉलेस्ट सिमिलरली लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट सिर्फ ह्यूमन बॉडी में है, कैन यू नेम दैट सेल विच इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन।
माता आवाज देते का सगाना, मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर नो? यस, वेरी गुड। तो आपकी आज की क्लास खत्म हो गई, मैडम का नेटवर्क चला गया है, तो जितना हुआ उतना ही आज, फिर वेनसडे हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप क्लास लीव कर सकते हैं, आपको थोड़ी तकलीफ हुई उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके चलो, बाय बाय। चलो बाय युवा, बाय बाय। परुसिंह जी बाय बाय। चलो।